हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है हॉट स्प्रिंग्स का, और इधर जोगो भाई आराम से बैठ के मजे कर रहा होता है और स्मोक कर रहा होता है। लेकिन उसकी शांति भंग करने के लिए इधर भाई गेटो और माहिटो आ जाते हैं, और माहिटो तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो अपने कपड़े वगैरह उतार के भाई स्प्रिंग के अंदर ही कूद जाता है। और वो कहते हैं कि यार मेरे को सच में काफी ज्यादा खुशी है जोगो कि तुम्हारी बॉडी वापस से उग चुकी है। वैसे बिना बॉडी के रहना कितना मुश्किल हुआ होगा, है कि नहीं। लेकिन जोगो देखते हैं कि भाई माहिटो की खुद यहाँ पे बैंड बजी हुई होती है और उसकी हालत कुछ खराब होती है, तो तो यही बताता है कि हाँ मेरे सामना सुकुना के वेसल से हुआ था। मेरे ख्याल से उस बच्चे को ट्रांसफिगर करने से अच्छा मेरे को उसे बंदी बना के रख लेना चाहिए था, जिससे यूजी सुकुना में ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो गेटो कहता है कि नहीं, बाइंडिंग वो ऐसे काम नहीं करती है, वो सिर्फ तभी काम करेगी जब यूजी चाहेगा, तो तुम उससे जबरदस्ती ऐसा नहीं करवा सकते हो। और माहिटो यहाँ पे मन में यही कहते हैं कि हाँ वैसे भी देखा जाए अगर सुकुना की पर्सनैलिटी को, तो वो हमारे साथ काम करने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। माहिटो को समझ आ जाता है कि यार सुकुना कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, तो इनका यहाँ पे ये प्लान होता है कि जितनी भी इनके पास है वो सारी की सारी वो सुकुना को लाके दे दे, क्योंकि सुकुना भी यही चाहता है। भले ही इसके बाद भी सुकुना उनका साथ ना दे, लेकिन अगर सुकुना फिर से जिंदा हो जाता है तो इस दुनिया पे कर्सेस का ही राज होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चले जाए, हम ऐसा जरूर करेंगे। तो गेटो यही कहता है कि ठीक है, फिर 6 फिंगर्स जुजुत्सु हाई के पास है, पहले हम वो लेके आएंगे। तो जोगो कहते हैं कि भाई ये तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब जुजुत्सु हाई से लेके आएंगे हम सीरियसली? तो गेटो कहता है कि हाँ, जुजुत्सु हाई अभी बहुत ज्यादा तगड़े अलर्ट पे है और उनको लगता है कि यूजी सबसे बड़ा खतरा है इस समय, और हो सकता है कि वो यूजी को मार भी डाले, इसलिए इस समय हमें उन फिंगर्स को हासिल करने के बारे में ज्यादा सोचना है जो कि अभी उनके पास है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई गोजो नानामी को इधर परेशान कर रहा होता है और उसका मजा टाइप ले रहा होता है, और नानामी उससे पूछता है कि अब तो सुधर जाओ यार, भले यूजी के लिए ही सही। तो जैसा कि आपको याद होगा कि भाई गोजो ने यूजी से कहा होता है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद और भी कई मुश्किल मिशंस पे जाया करोगे, तो गोजो यही कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि यार मैं उन मिशंस की बात कर रहा था जो कि इतने खतरनाक हो। नानामी कहता है कि हमने अभी तक यूजी को यही नहीं बताया है कि योशिनो की मॉम की डेथ उस सुकुना की फिंगर की वजह से हुई थी। तो गोजो इस बात से बिल्कुल एग्री करता है, और नानामी ने इधर वो फिंगर हायर अप्स को दे दी होती है, क्योंकि अगर वो ये फिंगर गोजो को देता तो शायद गोजो वो फिंगर भी यूजी को ही खिला देता। वो गोजो से यही पूछते कि क्या तुम्हें ठीक लगता है कि हम यूजी को हायर अप्स के सामने लेके आए, मतलब उसके ऊपर खतरा नहीं आएगा? तो गोजो नानामी से यही कहता है कि देखो तुम अच्छे से जानते हो यूजी को, ठीक है ना, तुम्हें पता होना चाहिए सही आंसर। तभी यहाँ पे यूजी आ जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो वापस अपने स्कूल जा पाएगा और अपने दोस्तों से मिल पाएगा, और साथ ही साथ सेकंड ईयर से भी मिल पाएगा, और इसके अलावा उन क्योटो स्टूडेंट से भी मिल पाएगा। यहाँ पे यूजी और गोजो ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक सरप्राइज प्लान करेंगे, जिसे देख के सबके सब काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाएंगे। बट नानामी को ऐसा लगता है कि यार मतलब ये बंदा मर के जिंदा हो रहा है, ये भी तो सरप्राइज से कम थोड़ी ना है। दूसरी ओर नोबारा इधर मेगुमी और बाकी सेकंड ईयर से मिलती है, और वो देखती है कि इन्होंने अपना सामान पैक नहीं कर रखा होता। ये पूछती है कि हम क्योटो जा रहे हैं ना, तुम लोगों ने पैकिंग क्यों नहीं की? तो पांडा कहता है कि अरे देखो गुडविल इवेंट है क्योटो वाले स्टूडेंट के साथ, ना कि क्योटो के अंदर, होगा वो यहीं पे, ठीक है ना। बेसिकली होता है ऐसा है, जो पिछले विजेता होते हैं उनके ही स्कूल में कॉम्पिटिशन रखा जाता है, और पिछले साल यूटा ओकोत्सु जीता था जो कि हमारे ही स्कूल का है, तो इसलिए ये कॉम्पिटिशन टोक्यो में ही होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्योटो जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं इवेंट के लिए, नोबारा कहती है कि चलो फिर सोवेनर्स दो। तो इधर मोमो कहती है यार ये लड़की कितनी खतरनाक है, मुझे तो डर लग रहा है। मेकामारु कहता है कि जो दो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है मेरे ख्याल से तो ये आते ही साथ निपट जाएंगे। लेकिन नोरितोशी कामो कहता है कि नहीं, मेगुमी फुशिगोरो काफी टैलेंटेड सॉर्सरर है और वो ज़ेनिन फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे अंडरएस्टिमेट मत करना। तभी यहाँ पे क्योटो स्कूल स्टूडेंट काउंसलर उटाहिमे आती है और वो पूछती है कि वो बेवकूफ का है, वो अभी तक आया नहीं, हमेशा की तरह लेट रहता है। तो यहाँ पे गोजो की बात हो रही होती है और गोजो तभी इधर आ जाता है और वो सोविनर्स देना शुरू करता है क्योटो स्टूडेंट्स को, और वो कहता है कि अगर बात करें टोक्यो स्टूडेंट्स की तो तुम्हारे लिए तो कुछ और ही सरप्राइज लेके आया हूं मैं। वो यहाँ पे वो डब्बा टाइप खोलता है, उसमें से यूजी बाहर निकलता है और ये कहता है स्पेशल सरप्राइज। इसे देख के भाई मेगुमी और नोबारा डर के मारे शॉक हो जाते हैं, और जैसे यूजी और गोजो ने सोचा कि ये खुश होंगे काफी ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल भी खुश नहीं होते और ये पूरी तरह से शौक में जा चुके होते हैं। दूसरी ओर क्योटो स्टूडेंट्स को तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि यूजी है या नहीं है। इधर प्रिंसिपल योशिनो काकुकांजी भी होता है और वो ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई उसने ऑर्डर दिया था यूजी को मरवाने का, लेकिन यूजी अभी तक जिंदा है। और यहाँ पे गोजो काकुकांजी को छेड़ता है और वो कहता है क्यों, तुमने तो सोचा था ये मर जाएगा, है कि नहीं बुड्ढे? बट ऐसा हुआ नहीं, अब क्या करोगे? तो यहाँ पे काकुकांजी को गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ पे नोबारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम 2 महीने तक मरने के बाद गायब हो गए थे और अब एकदम से आके कहते हो कि मैं जिंदा हूँ, मुझे आंसर चाहिए, ये क्या था सब? तो बेसिकली यहाँ पे यूजी भाई इन सबसे माफी मांगता है और इनकी क्लास में फिर से ज्वाइन हो जाता है। दूसरी ओर भाई प्रिंसिपल यागा गोजो को पनिशमेंट देता है लेट आने के लिए, और साथ ही साथ टीम बैटल स्पिरिट बैश रेस के रूल्स बताता है। वो बताता है कि इस एरिया में एक ग्रेड 2 का कर्स छोड़ा गया है और कुछ ग्रेड 3 के और उससे लोअर कर्सेस छोड़े गए
गए हैं। पहली टीम जो कि ग्रेट टू के कर्स को हराएगी वो टीम जीत जाएगी। अगर शाम होने तक ग्रेट टू वाले कर्स को एक्सरसाइज नहीं किया गया तो जिस टीम ने भी सबसे ज्यादा एक्सरसाइज किए होंगे वो टीम जीत जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो मीटिंग में नोबारा यूजी को पनिश करती है और पांडा और टोगे कहते हैं कि देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है। और इधर टोगे कहता है सैल्मन, तो यूजी कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, और तुम पांडा तुम बोल कैसे सकते हो। तो मेगुमी बताता है कि देखो टोगे की पावर ये है कि वो अपने वर्ड्स के थ्रू ही कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है जो भी वो मुंह से बोलता है वो कमांड्स कर्स एनर्जी से मिल जाती है और वो चीज हो जाती है। तो यूजी कहते हैं कि क्या मतलब क्या कहना चाहते हो तुम। अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी को भी मरने के लिए बोलेगा तो वो सच में मर जाएगा। तो पांडा कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है और सामने वाले की कर्स एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। माकी यहाँ पे यूजी से अपना स्लॉटेड डेमन वाला वेपन वापस मांगती है और ये वही वेपन होता है जो कि गोजो ने यूजी को दिया था। और हमें बताया जाता है कि बेसिकली वो वेपन गोजो ने माकी से लिया था। गोजो तो भाई बीच में से हट गया और यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि यूजी का वो वेपन टूट चुका था और वो यही कहता है कि वो मैंने गोजो को दे दिया था। माकी इधर कहती है चलो ठीक है फिर अब हम अपना प्लान पूरा करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक नया मेंबर है यूजी, इसको हम कैसे काम में ले सकते हैं या फिर हमें अपना प्लान ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो मैगुमी यही कहता है कि देखो मैं अगर तुम्हें बताऊं, अगर हमारी कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें कर्स एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा तब भी यूजी ही जीतेगा। तो माकी मन में यही सोचती है कि क्या बात है, मतलब मैगुमी आओई टोडा से लड़ चुका है लेकिन उसके बाद भी वो ऐसी बात बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूजी सच में काफी कमाल का होगा। दूसरी ओर हमें क्योटो टीम का मीटिंग सीन दिखाया जाता है और इधर प्रिंसिपल इन स्टूडेंट्स को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक कर्स को एक्सरसाइज करो जो कि है खुद यूजी। भले वो एक इंसान है वो एक स्टूडेंट है लेकिन उसके अंदर एक कर्स भी है, तो इसलिए पिछली बार जब वो मरा था तब उसे कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके नहीं मारा गया था, वो एक सुसाइड था, लेकिन इस बार तुम अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको मारोगे जिससे कि वो फिर से जिंदा ना हो पाए। ये सुनकर आई टोडो परेशान हो जाता है और वो भाई प्रिंसिपल के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद भाई प्रिंसिपल भी इधर से चला जाता है। इधर मोमो और कासुमी दोनों के दोनों भाई थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें यूजी को मारना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, लेकिन भाई दूसरी ओर नोरितोशी यही कहती है कि हम साथ मिलकर हमला करेंगे और एंड में एक कर्स ब्लो देंगे उसको जिससे कि उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वही दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि गोजो जाके उटाहिमे से मिलता है और वो उसे बताता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में कोई ना कोई तो कर्सेस के साथ मिला हुआ है और उनके साथ काम कर रहा है। इवेंट शुरू होने से पहले मैगुमी इधर यूजी के पास आता है और वो कहता है कि क्या बात है सब ठीक तो है ना, मैंने सुना था कि कुछ तो हुआ था, तुमने शायद किसी को खोया था। तो यूजी कहता है कि हाँ वो एक दोस्त था और उस टाइम मैं हार गया था लेकिन मैं अब फिर से हारूंगा नहीं। और मैगुमी कहता है हाँ बिल्कुल। ये सबके सब लोग एक्साइटेड होते हैं और ये बैटलफील्ड में जाना शुरू करते हैं। यूजी आगे बढ़ने लग जाता है और माकी उसको लात मार के आगे गिरा देती है और वो कहती है तुम्हें लेने के लिए किसने कहा, चुपचाप पीछे रहो। जोजो स्टॉल में दिखाया जाता है कि टाकाडा चैन इधर होती है कैमरा के सामने और वो कहती है कि ये है काफी पुरानी सुशी शॉप, और पीछे एक कपल खड़ा होता है, वो आदमी अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए जैसे टाकाडा कर रही है अगर तुम्हें फेमस होना है तो वो औरत कहती है कि हाँ अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम मुझे ऐसा करने दोगे, नहीं ना। हमें यहाँ पे सुशी शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है और टाकाडा एक गोट फिश ऑर्डर करती है और रूम टेम्परेचर के हिसाब से सब कुछ सेट होता है। वो और दूसरा आदमी सुशी शेफ को इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं और उसे एज वगैरह पूछना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आई ये शो टीवी पे देख रहा होता है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि टाकाडा ने पी रखी है, देखा मेरी टाकाडा चैन कितनी क्यूट है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इसका मतलब प्रॉपर फैन होता है टाकाडा चैन का। उसके पीछे से यहाँ पे यूजी और गोजो जाते हैं और यूजी कहता है गोजो से तुम्हें पता है कि ओपीपी का भी एक मतलब है जो कि है ओशियन पैसिफिक पीस, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।